हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज महत्वपूर्ण रचनाएं लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं लेखक और उनकी रचनाएं। तो फ्रेंड्स, एक लेखक और उनकी दो रचनाएं सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, फर्स्ट लेखक है गुलाब राय हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरे लेखक है राम मिर्च बेनीपुरी, इनकी रचनाएं लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, गुलाब राय की दो रचनाएं, प्रथम है ढलुआ कल्ब, ये इनकी रचनाएं होती है ढलुआ कल्ब। और इनकी एक दूसरी रचना है फ्रेंड्स, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनकी दो रचनाएं लिखेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा और इनकी दूसरी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दूसरी रचना है अशोक के फूल, इस तरह से लिखेंगे अशोक के फूल। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है राम मिर्च बेनीपुरी जी की रचना है माटी की मूर्तें। और इनकी दूसरी रचना है नेक्स्ट कवि आते हैं धर्मवीर भारती, अब इनकी दो रचनाएं लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इनकी दो रचनाएं ठेले पर हिमालय, पहली रचना है, एक इनकी रचना है ठेले पर हिमालय, एक और इनकी रचना है गुनाहों का देवता। इस तरह से लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, पांचवें कवि आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मोहन राकेश, इनकी कौन कौन सी रचना है। जैसे कि फ्रेंड्स, दोबारा से रिपीट करेंगे, तो गुलाब राय जी की दो रचनाएं ठलुआ कल्ब और मेरी असफलताएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दो रचनाएं बाण भट्ट की आत्मकथा अशोक के फूल, राम मिर्च बेनीपुरी जी की दो रचनाएं माटी की मूर्तें गेहूं और गुलाब, चौथे कवि थे धर्मवीर भारती जी से हमने लिया था, तो यह है ठेले पर हिमालय, एक इनकी रचना हुई और दूसरी रचना हुई गुनाहों का देवता। अब फ्रेंड्स, पांचवें कवि हैं मोहन राकेश, तो इनकी कौन सी रचना है, एक इनकी रचना है लहरों के राजहंस, लिखेंगे लहरों के राज हंस, और दूसरी रचना है आषाढ़ का एक दिन। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमने यहां पर पांच लेखक थे जिनकी 10 कुल मिलाकर 10 रचनाएं सीखे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।